Hello guys, my name is Tushamum. Welcome to my another vlog. Today I am going to explore Dharmarajika. So abhi main Dharmarajika jo hai uske bilkul main entrance ke samne khada hu. Ye uska main gate hai. Iske bare mein main thoda sa aapko batata hu ki ye jo hai Ashoka ke daur mein banaya gaya tha aur ye Buddhist stupa hai. To abhi hum andar chalte hain aur isko explore karte hain. Chalein ji aaye. वो अभी हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं स्टूपा की तरफ. ये इधर से थोड़ा सा ही फासला है आगे, तो आप भी हमारे साथ सफ़र को एंजॉय करें. चलें जी. तो मैं भी सीढ़ियों से ऊपर पहुंच आया हूं और ये स्टूपा आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे सामने है. तो अभी आप इसका एक व्यू ले पहले. ये देखें जी, तो ये अशोका के दौर का स्टूपा है. अभी हम आगे चलते हैं और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं. अगर ये मेरे आप सामने देखें, ये इसका एक मैप है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात दर्ज हैं. अभी हम आगे चलते हैं और आपको मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं. तो दोस्तों, ये जैसे ये आप सामने देख रहे हैं कि और ये दोनों ये भी स्टूपाज ही थे. ये बड़ा ये स्टूपा है. ये छोटे छोटे स्टूपास थे, दिखाता हूँ आपको. ये जो हैं ये साथ 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 ये सारी इसके साथ मूर्तियाँ हैं. मूर्तियाँ बनी हुई थी मगर ये टूट चुकी हैं अभी. अभी हम मज़ीद चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं. फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं. ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनकी इबादतगाहें थी. इनके अंदर ये अगर आप देखें इधर से, ये इनके मूर्तियाँ वगैरह हैं. तो अभी आगे चलते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखें जी, ये आश्कार है. इसके साथ अगर ये आप देखें बनी हुई थी और इस तरफ भी हैं. अभी मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ आगे. तो गाइस, ये जो भी आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये जगह, ये जो आपको सामने पत्थर सा नज़र आ रहा है, ये चक्की या मशीन आप कह सकते हैं, ये वो थी. यहाँ पर दाने वगैरह गंदम वगैरह को पीसा जाता था. अभी मैं उधर ऊपर चलता हूँ, वो भी आपको जगह दिखाते हैं हम. अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तालाब था और ये सारे इसके इर्द गिर्द जो बने हुए हैं ये कमरे थे रहने के लिए. अभी ये आप इसको देखें, ये काफ़ी बड़ा है. और अभी हम उस तरफ चलते हैं. ये जो अभी आप मेरे सामने ये स्टूपा वगैरह देखते हैं, इस जगह पर ये इधर, ये एक इधर है, एक वो उस तरफ है. ये इन जगहों पर इबादत किया करते थे और ये इन्हीं के साथ थी. ये मूर्तियाँ वगैरह भी थी पड़ी हुई बुद्धिस्ट की. और अगर उस तरफ आप देखें, उधर भी कुछ ये स्टूपास थे छोटे छोटे उस साइड पर, और इधर भी ये मूर्तियाँ वगैरह हैं. जैसा कि आप ये सामने मेरी जगह देख रहे हैं, ये जो जगह थी यहाँ पर कोई दिया वगैरह जलाया करते थे. इसके बारे में आपको मैं खास बात बताता चलूँ कि ये बुद्ध मत में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ये बुद्ध मत के बाद जो तहजीबें आईं, क्योंकि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा तहजीबें इधर आती रहीं, वो इन जगहों को तब्दील नहीं करते थे. इनको वो ये करते थे कि इसी को अपने मुताबिक डाल लेते थे जो पहले के तहजीब. इससे बेहतर था कि वो बिल्कुल एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करें, वो उसी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां करते. तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये
आग जलाने के लिए थी, मगर ये बुद्धिस्ट की नहीं है, ये इसके बाद कोई तहजीब आई वो इन्होंने इसमें ये चेंजिंग्स किए हैं। और हम लोगों से पूछते हैं इसके बारे में कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो अभी आप बताएं हमें थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। हम तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हम समझते हैं कि एक आर्काइव डिपार्टमेंट का एक ट्रेंड यहाँ पर मौजूद हो, जो कि गाइड की सूरत में हमें यहाँ पर एक एक जगह का हमें लेकर चले प्रॉपर्ली, कि रास्ता कौन सा होकर पहले हम क्या देखें और हम उस टॉप तक जो पहुँचे जहाँ पर अशोका साहब ने वहाँ पहुँच के इबादत को अपनी अमर कर दिया था, और अब वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। जैसा कि हमें बताया गया था कि यहाँ पर राख उनकी मौजूद है, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दे दी थी। तो जब वो इबादत के तरीके करने के लिए वो ये अंदाज़ अपनाते थे, इतना तहजीब याफ्ता और इंटेलेक्चुअल तरीक़ेकार उनका, जो मैं देख रही हूँ बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, जो अधूरी हैं अगरचे, कुछ संभाला भी है हमारे हुक्मरानों ने, हमारी सरकार ने, मगर अभी ज़रूरत है कि इस पे काम हो। सो फ्रेंड्स, हमारा साथ यहीं तक का था। आप अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।